हाय गुड मॉर्निंग। आज मैं सुबह सुबह रेडी हो रही हूँ क्योंकि आज फिर से मेरा एक शूट है और स्वालिंग प्रोडक्शन के साथ ही है, तो मैं बस रेडी हो रही हूँ। और मेकअप मुझे खुद ही करना है, और मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि जब आउटडोर शूट होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो नेचुरल लाइट्स होती हैं वो वैसे ही बहुत ग्लो देती हैं आपके चेहरे पर। और मॉर्निंग का शूट इसलिए रखा गया है कि मॉर्निंग की जो हल्की हल्की लाइट होती है वो शूट के लिए बहुत खास होती है। तो मैं खुद ही अपना मेकअप कर रही हूँ, आप देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मेकअप मैंने कर लिया है, बस मुझे रेडी होना बाकी है। मेकअप हो चुका है, आउटफिट चेंज करना है और मुझे निकलना है। है 5:30, मुझे 6 बजे तक अपने घर से निकलना है ताकि मैं लोकेशन पर पहुंच सकूं। तो एक चीज़ आपको खास तौर से बताना चाहूँगी कि कोई भी फील्ड हो, मेहनत तो ज़रूर मांगती है। वो कुम्हार होते हैं जो मटके बनाते हैं, हमारे लिए कुल्हड़ बनाते हैं या मिट्टी का सामान बनाते हैं, कभी उनको बनाते हुए आपने देखा है कितनी कलाकारी से, कितनी सावधानी से वो चीज़ों को आकार देते हैं और फिर हमें अपनी मनचाही चीज़ें मिलती हैं। इसी तरह आप हमारे जूते चप्पल ठीक करते हैं, उनका काम देख लीजिए, या फिर आपने कभी टाई एंड डाई वालों को देखा है जिनसे हम अपने कपड़े डाई कराने जाते हैं, चाहे दुपट्टा हो चाहे कोई और हो, उस पर कलर लगवाने जाते हैं, हम मनचाहा कलर उसको दे देते हैं, भैया ऐसा कर दो, कितने आराम से हम बोल देते हैं, लेकिन वो कितनी समझदारी से, कितनी सजगता से थोड़ा थोड़ा कलर, 3-4 कलर मिक्स करते हैं और हमें मनचाहा रंग का कपड़ा रंग कर दे देते हैं। यानी हर फील्ड मेहनत मांगती है और पूरी तरह डेडिकेशन मांगती है। तो इसी तरह ये फील्ड भी है, बहुत मज़े की फील्ड तो ज़रूर है लेकिन मेहनत भी उतनी ही लगती है और काम करने में आपको हार्ड वर्क भी उतना ही करना होता है। सुबह के दिन ठंड में किसको प्यारी नहीं होती, अभी इतनी ठंड हो रही है कि शायद मेरा बस चलता नॉर्मल टाइम होता, नॉर्मल डे होता तो मैं रजाई से बाहर भी नहीं निकलती। और जब शूट की बात आती है तो आपको उठ के खड़ा होना होगा और रेडी होके बाहर निकलना होगा, और बाहर निकल के तो ये जैकेट भी हट जाएगी, यानी खुली हवा में, ठंडी हवा में ऐसे ही मुझे शूट करना होगा। तो मेहनत तो सब जगह लगती है, बिना मेहनत के आप कभी अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकते, लेकिन ये भी है कि आप अगर मेहनत करते हैं तो आपको रास्ता भी दिखता जाता है। तो मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा मॉर्निंग में इतनी क्लीन वॉइस नहीं आती है, सो के उठी हूँ, जल्दी से तैयार हुई हूँ और मेकअप कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा हेयर करना है, हेयर को मैं नेचुरल तरीके से फ्री छोड़ दूँगी क्योंकि बाहर हवा होगी तो उसमें आप कुछ भी हेयर स्टाइल करते हैं वो रहेगी नहीं, वैसे भी मुझे नेचुरल हेयर रखना बहुत पसंद है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, मुझे 6 बजे निकलना भी है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और मेरी ये पिक्स वैलेंटाइन डे पर मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाकर जरूर देखिएगा, और उसके लिए ज़रूरी है कि मेरे इंस्टाग्राम पेज के लिंक को फॉलो करें और मेरी पिक्स को लाइक करें। सो गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ, लाइट सा ही मेकअप किया है लेकिन क्योंकि रेड है इसलिए थोड़ा सा ब्राइट दिख रहा है, पर डे लाइट में बिल्कुल ही लाइट सा मेकअप दिखेगा। और मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ विद एक्सेसरीज, आउटफिट भी पहन लिया है मैंने और नेल पेंट भी लग गया है क्योंकि मैं रात को नेल पेंट लगाना भूल गई थी, सुबह सुबह लगाया बस जल्दी से सूख जाए, और मैं जाकर अभी टी पी कर बस उसके बाद निकल जाऊँगी। थोड़ा सा रुक के जाना है क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा है और फोग में मैं ड्राइव करने में थोड़ा सा रुकती हूँ, क्योंकि जैसे ही हल्की हल्की रोशनी होती है मैं निकल जाऊँगी और उसके बाद लोकेशन पर पहुँच जाऊँगी। तो मिलते हैं रास्ते में जब ड्राइव करते हुए, अगर मुझे लगा कि मैं आपसे बात कर सकती हूँ तो ज़रूर बात करूँगी। सो गाइज, लोकेशन के लिए निकल रही हूँ, अभी मुझे पता नहीं है कि कहाँ जाना है क्योंकि रास्ते से ही मुझे फोटोग्राफर से पिक करना है और वहाँ से फिर शूट के लिए निकलना है। अब देखती हूँ मैं कितने बजे फ्री हो रही हूँ, वैसे तो उन्होंने मना कर दिया था अंधेरे में नहीं निकलना है, तो मैं थोड़ा सा लेट निकल रही हूँ, 8 बज रहे हैं अभी, तो अब थोड़ा सा ड्राइव करने में भी ठीक लगेगा तो सोचा आपसे बात करती चलूँ। तो मैंने अपने रूट के वीडियोज़ में बनाती हूँ मेरा व्लॉग, अगर आप नहीं देखते हैं तो मेरे चैनल पर जाइए और उसे सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको मेरे शूट से रिलेटेड ब्लॉग्स दिखते रहेंगे। तो उसमें भी मैंने बताया था कि काम वो करें जिसमें आपको खुशी मिलती है, क्योंकि बिना खुशी के, बिना इंटरेस्ट के अगर कोई काम आप करेंगे तो वो एक बोझ की तरह लगेगा। तो मुझे ही अपना ये काम बहुत पसंद है और इसके लिए तो मैं कभी भी रेडी हो सकती, तो
पैशन होना बहुत जरूरी है, काम में खुशी मिलना बहुत जरूरी है, आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, और ये तीनों ही चीजें होती है तो काम करने में आपका पूरा मन लगता है, आप अपना 100% देते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि अपना 100 क्या अपना 200%। तो शूट के लिए निकल रही हूँ, ड्राइव कर रही हूँ, और क्योंकि अभी रोड्स खाली हैं इसलिए ईजी है आपसे बात करना, पर फिर भी एक गुड नागरिक होने के नाते ड्राइव करते हुए ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। तो अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, तो आपसे अब लोकेशन पर ही मिलते हैं, वहाँ पर भी छोटे छोटे क्लिप्स आपके लिए मेरे ब्लॉग पर होंगी, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल। सो मैं अभी सर जहाँ पर मेरा वेट कर रहे हैं वहाँ पहुँच गई हूँ, और अब मैं उनका वेट कर रही हूँ कि वो आ जाए तो फिर हम लोकेशन के लिए चले। वैसे गाइज ये बताइएगा कि मेरा मेकअप आपको कैसा लगता है। वैसे तो मैं बहुत अच्छा मेकअप नहीं करती, खासतौर से आईलाइनर लगाने में मुझे बहुत दिक्कत होती है, पर फिर भी ठीक ठाक मेकअप कर लेती हूँ। आउटडोर शूट के हिसाब से तो ठीक ठाक मेकअप कर ही लेती हूँ। मेरी पिक्स ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि मेरी पिक्स कैसी लगी, शूट कैसा लगा, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए। पोजिंग कर लो बस, ऊपर छोड़ो चाहा बस। थोड़ा इधर आ जाओ, तो गाइस मैं वापस घर आ गई हूँ। आप ये पीछे का बैकग्राउंड देख के समझ ही गए होंगे कि मैं अपने घर में आ गई हूँ, और शूट ख़त्म हो गया। और शूट की क्या बात करूँ, शूट तो वाकई में बहुत अच्छा हुआ है। अगर आप उनकी पिक्स देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाना होगा, मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, लिंक ये आपको मिल जाएगा, और वहाँ पे फॉलो करके आप मेरी पिक्स देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो मेरे इस व्लॉग को ज़रूर देखिएगा, मुझे बताइएगा कि मेरी शूटिंग के व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है ना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।